बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है समदीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छः कलमों के बारे में। तो दोस्तों, आजकल आप किसी से पूछोगे तो किसी भाई को छः कलमे याद नहीं होते हैं। वो कोई एक आधा बंदा आपको मिल जाएगा जिसको छः के छः कलमे याद हों। आज का जो टाइम है, आज की जनरेशन को देखते हुए किसी भाई को छः कलमे याद नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन लाया हूँ जिससे आप छः के छः कलमे सीख जाएंगे और वो भी आसानी से। इसके अलावा इसमें इस्लामिक स्टोरी भी हैं, दरुस शरीफ भी है और रमज़ान के बारे में भी है और ज़कात के बारे में भी है। बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप जब सर्च करेंगे आल कलमा दुआ इस्लामिक स्टोरी इन हिंदी, तो दोस्तों इस तरह खुल जाएगा और आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह ये खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ रहा है आल कलमा और इसके बाद है इस्लामिक स्टोरीज़, और ये बाय प्रोडक्ट है, मतलब इसमें अलग चीज़ है। और इसके बाद है इसमें दुआ, और इसके बाद है दरुस शरीफ और रमज़ान और ज़कात। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कलमे की बात कर रहे थे, इसमें कलमा हम इसको क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कलमा पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला कलमा तैयब। तो दोस्तों, हमने इसको ओपन किया और यहाँ पर यह लिखा हुआ होगा, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो दोस्तों, इसमें हिंदी में इसका तर्जुमा लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है। और इसी तरह हम दूसरे कलमा जो शहादत है इसको ओपन करेंगे और इसको भी यहाँ से इस तरह पढ़ सकते हैं हिंदी में, और इसका भी तर्जुमा इसमें लिखा हुआ है जो इसका मतलब होता है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इस तरह हम तीसरे कलमे तमजीद को भी ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा कलमा तमजीद ये भी ओपन हो गया, और इस तरह इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसका तजुर्मा हिंदी में है और इंग्लिश में भी है। और इसके बाद चौथा कलमा तौहीद, इसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसको पढ़कर आप याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और इसका तजुर्मा भी हिंदी में लिखा हुआ है। इसके बाद पांचवा कलमा है अस्तगफार, इसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसका तजुर्मा भी हिंदी में लिखा हुआ है। और इसके बाद छठा कलमा रद्द कुफ्र, इसको भी आप यहाँ से पढ़कर सीख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छः कलमे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मुसलमान भाई को ये छः कलमे होना याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों, कलमों के बाद हम बात करते हैं इस्लामिक स्टोरी की। इस्लामिक स्टोरी भी आप इसमें यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस्लामिक स्टोरी भी आप पढ़ सकते हैं, और काफ़ी स्टोरी हैं इसके अंदर। और इसके बाद दोस्तों, स्टोरी के बाद हम जाते हैं दुआ पर। दुआ पर गए आप यहाँ से दुआ अस्तगफार की फजलत वे दुआ, तो आप इस दुआ को भी यहाँ से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके बाद इसमें दरुस शरीफ है, यहाँ से क्लिक करके आप दरुस शरीफ भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद इस ऐप में रमज़ान के बारे में बताया हुआ है। तो दोस्तों, इसके बाद हम रमज़ान को ओपन करते हैं। रमज़ान में इसमें इस इफ्तार की दुआ, सबे कदर की निशानियां, रोज़ेदार को इफ्तार करने का सवाब, कयामत के दिन उसका माल। और इसके बाद है दोस्तों ज़कात। ज़कात के बारे में, ज़कात का हकदार, ज़कात क्या है और ज़कात किस को दी जाए, मुसाफिर की मदद। तो दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें इस ऐप में हैं, और जब आप इस ऐप को यूज करेंगे तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज दीन के बारे में आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।